तो अब बात दिल्ली की करते हैं। तो सर्दी में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली की शीतकालीन कार्य योजना तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 अक्टूबर को कार्य योजना की घोषणा करेंगे। इसके बाद धूल प्रदूषण से लेकर प्रदूषित कारकों के खिलाफ सरकार अभियान तेज करेगी। रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली को जाड़े में हो रहे प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने शीतकालीन कार्य योजना तैयार की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 अक्टूबर को इसकी घोषणा करेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। गोपाल राय ने अपने ट्वीट में लिखा, विंटर एक्शन प्लान तैयार। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी आगामी 4 अक्टूबर को करेंगे घोषणा। गोपाल राय, पर्यावरण मंत्री, दिल्ली। गौरतलब है कि अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में इजाफा होना शुरू हो जाता है। दीपावली के आसपास एयर क्वालिटी की स्थिति सबसे खराब रहती है। इस दौरान स्थानीय प्रदूषक के कारक तो होते ही हैं, बाहर से आने वाला पराली का धुआं भी बड़ी भूमिका निभाता है। वहीं मौसम की स्थिति भी ऐसी होती है कि प्रदूषक कण हवा में ज्यादा देर तक ठहरते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के लोगों को जाड़े में हो रहे प्रदूषण से बचाने के लिए पर्यावरण विभाग की ओर से लगभग 1 महीने पहले ही प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें खासतौर से सभी विभागों को शीतकालीन कार्य योजना तैयार करने को कहा गया था, जिससे प्रदूषण के स्थानीय कारकों की रोकथाम की जा सके। बहरहाल तमाम विभागों की कार्य योजना और विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर प्रदूषण से मुकाबले के लिए एक मुकम्मल योजना तैयार की गई है। अब दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, News1 India। पश्चिम दिल्ली के दशरथपुरी में कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन किया गया, जिसके बाद दशरथपुरी के प्रधान प्रेम कुमार ने भंडारे का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, विधायक विनय मिश्रा, निगम पार्षद रेखा विनय चौहान, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष विनय चौहान और पश्चिम दिल्ली के कई लोग शामिल हुए। दशरथपुरी में इशू ये है कि यहाँ सीवर डल गया और सीवर डलने के बाद क्या हुआ, जगह जगह पानी का लाइन डैमेज हो गया। सड़क बनाना बहुत आसान है, लेकिन मैं एक बार सड़क बना दूँ अगर को गंदा पानी आ जाए तो उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने दशरथपुरी में ये किया कि पूरी जो लाइन पानी की लाइन है 20-25 साल पहले डली थी, कई जगह गल चुकी है, कई जगह जो है टूट गई है, तो हमने नया पाइपलाइन डलवा दिया है। PNG यहाँ डल चुका है तो अब पानी का लाइन भी डल जाएगा, PNG डल गया, सीवर डल गया, तो एक बार फिर सड़क बना देंगे तो लगभग अगले 25 साल तक कोई यहां दिक्कत नहीं आएगी। तो दिल्ली में आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीब परिवारों को केजरीवाल सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, वो चाहे दिहाड़ी मजदूर हो या महिला, दिल्ली सरकार की योजना उन तक पहुंची है। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में आम आदमी पार्टी की नेता रोहिणी राजू ने वार्ड नंबर 80 में आम आदमी पार्टी की तमाम नीतियों को आम जनता में पहुंचाने का काम किया है। दिल्ली सरकार की लाभकारी नीतियों को फायदा मिल सके, इसके लिए रोहिणी राजू ने जन जन तक इन लाभकारी नीतियों को पहुंचाने का काम किया है। वार्ड कुशविहार के लिए ही हम लोगों ने लेबर कैंप लगाया है। ये हमारा दूसरा लेबर कैंप है। इससे पहले हमने 19 तारीख को भी लेबर कैंप लगाया था, 19 सितंबर को। ये लेबर कार्ड कैंप लेबर वर्ग के लिए है, जो लेबर का काम करते हैं उनके, उन लोगों को जो दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, उस लेबर कार्ड से वो सहायता मिलने में उन्हें मदद मिली। अभी सहायता किस प्रकार की प्रदान की जा रही है मैं आपको वो बता देती हूँ कि जिन लोगों के पास ये लेबर कार्ड होगा उनको मेडिकल हेल्प भी दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में और कॉलेजेस में भी लेबर कार्ड से उन लोगों को रिबेट मिलेगी, और जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो 3000 की उनको पेंशन मिलेगी। हिंदुस्तान में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की समस्या आम हो गई है, और इस समस्या पर केवल रेलवे स्टेशन पर 1200 करोड़ खर्च किए जाते हैं। इसी वजह से महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली में इजी स्विफ्ट नाम के अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य स्वच्छ भारत की मुहिम को आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में इजी स्पीच के ब्रांड एम्बेसडर बने बॉलीवुड के अभिनेता सुनील शेट्टी वहां पर भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह इनोवेशन एक क्रांतिकारी उत्पाद है जो आपको कहीं भी कीटाणु फैलने के डर से बिना थूकने की आजादी देता है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है, जिसके कारण बीमारियां लगातार बढ़ रही थी, इस स्टार्टअप
अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक जगह पर थूकने की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने के लिए है। इस अभियान की खास बात यह है कि इसको 24 महिलाओं की टीम ने मिलकर तैयार किया है। यही है कि वो लाया जाए और इसीलिए ये प्रोडक्ट, इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट और मेरे लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कॉज को पुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोशिश यही रहेगी कि इस मूवमेंट को छोटे से छोटे शहर से लेकर छोटे से छोटे गांव तक पहुँचाए। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया कल यानी 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्नातक यूजी पाठ्यक्रमों की पहली कट ऑफ सूची 1 अक्टूबर 2021 को ही जारी कर दी थी। जो छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए पात्र और इच्छुक हैं वो आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in से अधिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में एक लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पार्क में पड़े इस शव की मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश को कैसे आगे बढ़ाया आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में एक लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला हर्ष विहार थाने के अंतर्गत हनुमान पार्क का है, जहां पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पार्क में मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों ने बेंच के नीचे लड़की का शव देखा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतका के हाथों में जगह जगह चोट के निशान और गले में रस्सी बंधी हुई थी। लड़की के हाथों पे भी मैंने निशान देखे और ब्लडिंग जो ब्लड हुआ है निकला है वो भी अभी ताजा ही है। तो ये हो सकता है कि यहाँ जो बाहर के ऑटो आते हैं यूपी के जो अनऑथराइज है, जो मिली भगत से आ रहे हैं किसी की, वो कल भी 40 से 50 लोगों की संख्या में थे। वो रात को हो सकता है वो उनके साथ आई हो और उन्होंने बैठ के यहाँ खाना वाना खाया हो और आगे उनकी जो प्रोसेसिंग हुई हो ठीक ना हो। इस तरीके से आप आज तरह का हमें शक है। 15-16 साल की लड़की थी जो यहाँ बेंच के साथ में मरी पड़ी थी, जिसके कपड़े पड़े हुए थे और सुबह 2-3 लोगों ने मैं जाकर उठा के आज वहाँ से मैं आगे देखा यहाँ करके उसके बाद में खोल करेंगे। वह सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मृतका के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी की मदद से जानकारी जुटाने में लगी। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि लड़की की हत्या हुई है या फिर यहाँ लड़की को किसी ने मारने के बाद फेंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। राजधानी दिल्ली के नॉर्थ जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने गो तस्कर गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को इस सारे मामले की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद डीसीपी सागर सिंह के नेतृत्व में नॉर्थ जिले की स्पेशल स्टाफ टीम संग इंस्पेक्टर राजकुमार मलिक की टीम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और इस सारे मामले में जावेद और शमीम नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और क्राइम में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की है। उत्तरी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने 2 गाय तस्कर को मुठभेड़ में पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन थाने के एरिया में 2 गाय तस्करों की स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने जाल बिछाया और जाल बिछाने के साथ उन आरोपियों के बीच में और स्पेशल स्टाफ की टीम के बीच में मुठभेड़ भी हुई और मुठभेड़ होने के साथ ही उन्होंने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको बता दूं कि इनकी गिरफ्तारी के बाद पता लगा है कि जो इनके जाल हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा के मेवात से जुड़े हुए हैं, जिसको पुलिस खंगाल रही है। डीसीपी जो सागर सिंह कलसी हैं वो इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और साथ ही साथ स्पेशल स्टाफ के जो इंस्पेक्टर हैं वो भी इस पूरे मामले को देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा गैंग जो ऑपरेट कर रहा था और जिस तरीके से उस पूरे एरिया में सक्रिय था और ये जगह जगहों पर जिस तरीके से गाय की तस्करी को लेकर के पूरे मामले को कर रहे थे, इसका पूरा खुलासा किया है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट।
दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पैसे के लेन देन को लेकर एक 19 वर्षीय युवक की चाकू से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। दिल्ली के आनंद पर्वत में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला नेहरू नगर का है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर चार लड़कों ने एक 19 साल के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 19 वर्षीय शैलेंद्र केमिस्ट की दुकान पर काम कर रहा था, तभी कुछ युवकों ने शैलेंद्र को किसी बहाने से बुलाकर उससे हाथापाई। जब शैलेंद्र ने इसका विरोध किया तो युवकों ने शैलेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त शैलेंद्र की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि आए दिन बेखौफ बदमाश ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। रोज की तरह वो कल भी सवेरे उठा, 10:30 बजे अपने काम पे गया। काम पे जाने के बाद उसको चार लोगों ने उसे बुलाया, दुकान पे था वो। चार लोग गए, जा कर के दो बगल में खड़े हो गए और दो लोगों ने उसे आए दुकान से उसको बुलाया। बुलाने के बाद गली में लेके गए और हाथापाई करी। हाथापाई करते के साथ में चारों में से एक ने चाकू निकाला और वहीं मार दिया उसको। दो चाकू मारे हैं, जिससे ओवर ब्लीडिंग की वजह से वो हॉस्पिटल पहुँचते ख़त्म हो गया। उसकी हमें वो दी है, FIR की कॉपी दी है। इससे अदरवाइज और कुछ भी हमें नहीं पता है। हमने जबकि हमारा आई विटनेस है, जिसने कल रिपोर्ट लिखवाई थी, जो इस वारदात पे मौजूद था कल की डेट में, उसने चीख चीख के 10 बारी बोला कि एक बजे वो यहाँ से निकल जाएगा, भाग जाएगा यहाँ से। उधर पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं पर आखिर लगाम कब तक लग पाएगी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।